देखिए, जब से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से अपने खास एजेंडे को थोपने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और लगातार हो रहा है। और इसके पीछे जो हिंदुत्व का धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो एक तरफ दया और करुणा और प्रेम का धर्म है, उसको पूरी तरीके से बदलकर नफ़रत की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। भगवा जो है वो प्रेम का रंग है, दया का रंग है, करुणा का रंग है, लेकिन आज उसको नफ़रत का रंग बनाने की कोशिश की जा रही है। डुमरियागंज को नफ़रत के माहौल में ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितना भी अब इलेक्शन करीब है, डुमरियागंज की जनता भी समझ चुकी है, प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में डुमरियागंज की जनता को हम मूल मुद्दों की तरफ लेकर आएंगे। क्यों पूरे प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली मिल रही है, क्यों प्रदेश के लोगों को फ्री में बिजली नहीं मिल सकती, कम दामों में बिजली नहीं मिल सकती, क्यों अच्छे स्कूल नहीं हो सकते, अस्पताल नहीं हो सकते, इन सारे मुद्दों की तरफ हम प्रदेश की जनता को और डुमरियागंज की जनता को लेकर आएंगे। और जो नफ़रत फैलाने का माहौल यहाँ बनाया जा रहा है, जो भी डेवलपमेंट के काम किए गए उसमें भी नफ़रत का एजेंडा स्थापित करने की कोशिश की गई। हर जगह भगवा अगर गेट बनाएंगे तो भगवा कलर कर देंगे, अगर स्कूल की बाउंड्रीज हैं, स्कूल का जो रंग किया गया वो भगवा किया गया, यानी कुल मिलाकर सरकारी धन का उपयोग अपने निजी एजेंडे के लिए किया जा रहा है। इसकी जितनी भ्रष्टता की जाए कम है, जितनी निंदा की जाए कम है। हम तो नफरत की राजनीति करने के लिए आए ही थे, इसलिए कि नफरत सिखाया हमको उन लोगों ने जो लोग आरोप लगा रहे हैं। जब 4 नवंबर 2016 को पूज्य योगी जी डुमरियागंज की धरती पर सभा करने आए थे, तो महुआरा से लेकर के और डुमरियागंज तक 12 वफात के एक महीना पहले काले काले झंडे लगा करके पूरे हिंदू समाज के धर्म गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के को मात्र बना करके पूरे हिंदू समाज को अपमानित किया गया। और रहा भगवा कलर का प्रश्न, तो भगवा हिंदू समाज के धर्म का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। और कल गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूरा डुमरियागंज देख रहे हैं कि उत्साहित है, त्यौहार और पर्व के रूप में इस कार्यक्रम को देख रहा है। यह कोई सरकारी फंड से रंगाई नहीं हो रही है, ये डुमरियागंज के व्यापारियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा रंगाई हो रही है, क्योंकि वो स्वागत अभिनंदन करने के लिए पूरा डुमरियागंज जागरूक हो गया है। और कल का कार्यक्रम इतने बारिश के बाद भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। भगवा से अगर किसी को चिढ़ है तो हमें उसे कोई सफाई नहीं देनी है। भगवा डुमरियागंज, भगवा विधायक भी मुझको कहते हैं, और पूरे डुमरियागंज के हर कोने को भगवा करने का मेरा संकल्प है, भगवा करूँगा।